शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट की माय डियर। अब एक बार दोबारा से अपने नोट्स लेके बैठ जाइएगा, जैसे कि आप इस पार्ट में पढ़ेंगे हम सेक्स हार्मोन, क्योंकि ये भी काफी जरूरी है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये सेक्स हार्मोन काफी जरूरी है। अब अगर ये सेक्स हार्मोन नहीं निकलेंगे तो क्या है कि हम अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे, यानी कि मेल जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा फीमेल की ओर। सो ये भी हार्मोन क्या है, काफी नीड जनरेट करेंगे यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन सिस्टम में। तो पूर्ण रूप से सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, जो कि ये हार्मोन है एक, इसका दूसरा नाम होता है एंड्रोजन। अभी आपने देखा होगा कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है काफी बदबूदार होता है, दुगंध आती है इसमें, क्या होता है बहुत ज्यादा बदबू आपको मिलेगी देखने के अंदर, जब इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के अंदर, जब शायद कुत्तों में देखा होगा, कुत्तों क्या करते हैं कि जब कहीं पर पेशाब करते हैं वो, तो कुछ मात्रा उसकी टेस्टोस्टेरोन की आ जाती है, तो अपने इसी टेस्टोस्टेरोन को सूंघते सूंघते कुत्ते क्या करते हैं, अपना बॉर्डर निर्धारित कर देते हैं पूर्ण रूप से। ठीक उसी हिसाब से आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन में है, मैंने बताया कि बहुत बदबूदार होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, टेस्टो एंड्रोजन हार्मोन होता है। नाम अलग है लेकिन हार्मोन एक ही है, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। ये जो हार्मोन निकलता है वो टीन एजर एज में निकलता है, यानी कि 12 से 13 साल की आयु में क्या होता है, निर्धारित होता है। आप आजकल के बच्चों को देखते होंगे, जो ये उम्र आती है 12 से 13 साल की जो उम्र होती है आजकल के बच्चों में आजकल 11 से 12 साल की उम्र में ही ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये स्रावित होने लगता है और बच्चे थोड़ा से चिलपिल करने लगते हैं, थोड़ी सी हरकत उनमें आ जाती है। तो इसी एज के अंदर माँ बाप को ज्यादातर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। तो पूर्ण रूप से आप यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपको, मैंने चित्र बनाया है पूर्ण रूप से, यह है स्पॉटम, जैसे मैंने आपको बताया था पूर्ण रूप से, यह इसका पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी के अंदर टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज की संख्या 2 होती है। टेस्टिज का काम जो होता है वो स्पर्म का निर्माण करने का होता है। इस टेस्टिज में यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या होती है, एपिडिडमिस होता है। एपिडिडमिस का काम क्या होता है, टेम्परेली यहाँ पर क्या होते हैं स्पर्म क्या होता है, स्टोर होता है टेम्परेरी, और इसी में से ये वासा डिफेंस के द्वारा क्या होता है, स्पर्म जाता है, यहां से स्पर्म बनाएगा और इसी नली के द्वारा स्पर्म कहां तक पहुंचेगा, इस नली के द्वारा नली में पूर्ण रूप से पहुंचेगा। यहाँ पर जो होती है एक ग्लैंड लगी हुई है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम क्या होता है, ये एक दरवाजे का काम करती है पूर्ण रूप से, कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से पूर्ण रूप से जब स्पर्म आएगा तो इसी स्पर्म को पेनिस के द्वारा क्या करेगा, वो बाहर आउट करेगा। एक मिनट थोड़ा सा बाहर बैठ जाओ, अभी मैं 5 मिनट लगेंगे बस ऑनली जी। तो पूर्ण रूप से क्या करेगा इसको, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इसको क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म जो ट्रैवल करेगा पूर्ण रूप से ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ से पूर्ण रूप से पेनिस के द्वारा स्पर्म बाहर होगा और यहीं से ही मादा की योनि के अंदर क्या होते हैं, पेनिस के द्वारा मादा की योनि के रास्ते के द्वारा क्या करता है, स्पर्म आगे की ओर ट्रैवल करता है, एग से मिलेगा पूर्ण रूप से। तो ये मैं आगे जब फीमेल पढ़ाऊंगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो वहां पूर्ण रूप से बताऊंगा। यहाँ पर कुछ बच्चों का एक सवाल होता है कि सर जी कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारे पेशाब के साथ क्या होता है कि स्पर्म आ जाते हैं, तो पेशाब के साथ स्पर्म निकल रहा है, ह्यूमन सीमन निकल रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको क्या हो जाता है, कोई कोई गाँव में धात के नाम से जानते हैं, या कोई बोलते हैं स्वप्न दोष, यानी वीर्य जा रहा है पेशाब के साथ साथ स्वप्न दोष के कारण, तो नाइटफॉल जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर पूर्ण रूप से, तो इसमें कोई कोई दिक्कत आ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, इसके अंदर दिक्कत महसूस हो जाती है कमजोर, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम उम्र में इस ग्लैंड को मिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये ग्लैंड खराब हो जाती है, बहुत समस्या आ जाती है। जब उनका समय पूर्ण रूप से आता है निर्धारित, तो उस टाइम पर क्या होता है, स्पर्म का काउंट कम हो जाता है और संतान उत्पन्न होने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है पूर्ण रूप से। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो नस निकल रही है, इस नस को यहाँ से डॉक्टर काट देते हैं, वासा डिफरेंस को काट देते हैं यहाँ से, तो वासा को काटना ही वैसेक्टोटॉमी कहलाता है, वैसेक्टोटॉमी। तो वैसेक्टोटॉमी का मतलब होता है नसबंदी, नसबंदी किसकी, पुरुषों की नसबंदी।
तो पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में कौन सी नस कटती है, यहाँ से वासा डिफरेंस। अभी मैं फीमेल की भी बताऊंगा, तो फीमेल की जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब पूर्ण रूप से बताऊंगा यहाँ से। तो यह पूर्ण रूप से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉपर सेल, कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड का काम समझिएगा, जब मेल सेक्स करता है पूर्ण रूप से, तो सेक्स के दौरान उसके अंदर से एक लुब्रिकेंट पदार्थ निकलता है जो कि सेक्स को सुगमता से क्या चिकना बनाता है, चिकना पदार्थ निकलता है। वो कौन सी ग्लैंड छोड़ती है, कॉपर्स ग्लैंड ही छोड़ती है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट डाउन कर सकते हैं आप। तो उसके पूर्ण रूप से उसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन सीमन। ह्यूमन सीमन के अंदर ये क्या है, एक तरल पदार्थ, एक वाटर से लिक्विड पदार्थ है। इसी सीमन के अंदर, जिसे हम वीर्या कहते हैं, इसी वीर्य के अंदर क्या होते हैं, वीर्य के अंदर स्पर्म होते हैं। आप देख रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा तरल पदार्थ बनाया है, इसके अंदर डॉट डॉट से जो दिख रहे हैं आपको, ये सब स्पर्म हैं। और ये लिक्विड टाइप का क्या है, ह्यूमन सीमन। तो ह्यूमन सीमन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं पूर्ण रूप से। मैंने आपको यहाँ पर बताया है पूर्ण रूप से अभी कि जो 3 ml, अगर हमारा 1 ml में लगभग 3 million से क्या होंगे, कम क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। लेकिन बच्चा बनने के लिए जो मात्रा चाहिए ह्यूमन सीमन की, वीर्य की जो मात्रा चाहिए वो कितनी चाहिए, 7 ml होनी चाहिए। और इसी पूर्ण रूप से इतने ही इसमें क्या होंगे, स्पर्म होने की जरूरत है। लगभग ऐसा मान लीजिए आप 20 लाख के समथिंग स्पर्म की क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए बच्चा उत्पन्न करने के लिए। अगर 7 ml से कम होगा तो बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, उसमें दिक्कत आ जाती है। फिर स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट का होगा। अगर 20 मिनट के अंदर अंदर स्पर्म ट्रैवल कर अंडे से मिल गया तो बच्चा बनेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। चलिए, उसके बाद स्पर्म बनने में कितना समय लगता है, अगर मान लीजिए एक बार कितना समय लगता है इसको बनने में दोबारा से, तो 15 मिनट का समय लगता है स्पर्म बनने में। इसका स्वभाव कैसा होता है, तो जो इसका स्वभाव होता है वो क्षारीय होता है, बेस होता है। तो बेस होगा तो इसका pH लगभग 7 से अधिक हो जाता है, more than 7। स्पर्म के अंदर एक शुगर होती है, कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है, स्पर्म के अंदर जो शुगर होती है उसे शर्करा। और कौन सी शर्करा होती है, जिसे फ्रक्टोज कहते हैं, सूत्र होता है C6H12O6, फ्रक्टोज शुगर इसमें होती है। यहाँ पर मैंने बताया कि वासा जो डिफेंस है, वासा डिफेंस के अंदर कौन ट्रैवल करते हैं, स्पर्म ट्रैवल करते हैं, और कहाँ पर जाते हैं, पेनिस के द्वारा। इसी पेनिस के द्वारा योनि के रास्ते किस में जाते हैं, गर्भाशय से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब में अंडे से जाकर मिलते हैं पूर्ण रूप से, मादा जनन में आपको बता दिया जाएगा पूर्ण रूप से। एक टेस्टिस अगर किसी के अंदर होता है तो उसके अंदर सेक्स की इच्छा होती है, उत्पन्न होती है, वो सेक्स कर सकता है पूर्ण रूप से, बच्चे भी पैदा कर सकता है, लेकिन स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है पूर्ण रूप से, ठीक है, लेकिन फीलिंग्स पूर्ण रूप से रहेंगी। अगर दोनों टेस्टिस निकाल दिए जाएं, जैसे कि आप बैल के अंदर देखते हैं, सांड के अंदर से दोनों टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं, तो दोनों टेस्टिस जो होते हैं निकालने के उपरांत, ना ही तो वो चाइल्ड बना पाएगा, बच्चा उत्पन्न कर पाएगा, और ना ही वो सेक्स कर पाएगा, अपनी बच्चा अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर पाएगा पूर्ण रूप से। तो दोनों टेस्टिस निकालने पर, जैसे आपने सुना होगा बकरे क्या करेगा, वो दोनों टेस्टिस एब्सेंट है, तो ना ही तो चाइल्ड उत्पन्न करेगा, और ना ही सेक्स के लिए क्या होगा, वो फीमेल की ओर अट्रैक्टिव होगा, ठीक। उसी के बाद जैसे मैंने बताया वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी में बताया कि कौन सी नस करती है, सबसे पहले वासा डिफरेंस नस को काट दिया जाता है, इसी के काटने को क्या बोलते हैं, नसबंदी। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि सर यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है, अगर हमने इसको कहाँ से काट दिया तो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, मेल लेकिन स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर जो स्पर्म रह जाएगा, और इसी स्पर्म को यहाँ पर लाइसोसोम जो करता है वो मारकर किल कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये पूर्ण रूप से थी एक वीडियो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलेगा दोस्तों, और चलेगा मेरे बच्चों, ये था खड़ा टॉपिक। आपको मैंने पूर्ण रूप से इसकी बहुत डीपली मैंने पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे दी है। इसका जो चित्र है, डायग्राम है, वो मैं आपको वीडियो में ही स्टार्टिंग में क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। चलेगा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड जय हिंद जय भारत।